हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह से हेल्दी बनाती हूँ उस कोरोना वायरस के माहौल के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कोरोना वायरस जो है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू भी हम तक पहुँच सकता है। न्यूज़ में आप देख ही पा रहे हैं कि कई तरह की न्यूज़ ऐसी आती हैं कि कोई फ्रूट्स के अंदर, कोई पेपर के थ्रू, कोई मास्क के थ्रू, कोई किसी के कांटेक्ट में आने के थ्रू कोरोना वायरस किसी भी तरह से हम तक पहुंच सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम अपने फ्रूट्स को हेल्दी बनाएं और कोई वायरस हम तक ना पहुंचे, और इस फ्रूट्स के ऊपर कई पेस्टिसाइड्स भी होते हैं तो उनको हम किस तरह से रिमूव करें, दोनों तरह से ही हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह से हेल्दी बनाएं जो हम तक एक अच्छा फ्रूट्स, बिना वायरस वाला फ्रूट्स या फिर बिना पेस्टिसाइड्स वाला फ्रूट्स हम तक पहुंच सके खाने के लिए। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप चाहे तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये देखिए, ये मेरे फ्रूट्स हैं और ये मेरी वेजिटेबल्स हैं। हम दोनों को ही दिखाएंगे कि किस तरह से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करना है। पहले मैंने ये प्लेन वाटर से वॉश किए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो अभी मैं यहाँ पर अपने फ्रूट्स को पहले वॉश करूंगी। चाहे फ्रूट्स में बनाना हो या फिर कोई छोटा हो या बड़ा हो, अभी हमें सभी फ्रूट्स को वॉश करके ही खाना है। वैसे हम सभी वॉश करके खाते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि कोरोना वायरस से हमें बचाना है, तो यहाँ पर इवन हमें बनानास को भी वॉश करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये बनानास के मैंने सिंपल, आप देखिए, पहले पानी में डिप कर लीजिए इस तरह से। आप इसी तरह से अपने सारे फ्रूट्स को एक बार प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले से ही वॉश किया है तो वाटर एकदम बिल्कुल क्लीन है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये व्हाइट विनेगर अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को वॉश करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर कप में निकाल लिया है, ये 4 अप्रॉक्स 5 लीटर वाटर है, तो मैंने यहाँ पर ये हाफ कप व्हाइट विनेगर इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने व्हाइट विनेगर अपने पानी के अंदर डाल दिया है। आप चाहे तो ल्यूकवम वाटर ले सकते हैं वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए। अभी मैंने विनेगर यूज किया है तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्लेन वाटर यूज किया है, ये नल का जो भी ठंडा पानी आता है वही है। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्लेन वाटर से वॉश कर ले, जैसे मैंने दिखाया बनानास को भी वॉश कर ले इस तरह से। अभी मैंने इसके अंदर विनेगर डाल दिया है, चाहे तो आप इसके अंदर हाफ टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप प्लेन विनेगर वाटर से ही इसको वॉश कर सकते हैं। पर मैं हमेशा ही अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सॉल्ट डालकर ही वॉश करती हूँ। चाहे तो आप स्किप करें, चाहे तो आप इसको डालकर अच्छे से स्टेयर कर लें, इस तरह से अच्छे से घोल लें। ये देखिए इस तरह से पहले मैं अपने फ्रूट्स को वॉश करूंगी, इस तरह से डाल करके। यहाँ मैं बनानास को भी वॉश कर रही हूँ इस तरह से, और ये बनानास वॉश करने के बाद खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप सोच रहे हैं कि बनानास को तो वॉश नहीं करना चाहिए, अभी हमें COVID-19 से लड़ना है तो इसलिए हमें बनानास को भी वॉश करना होगा। और ये इस तरह से आप चाहे तो 2 से 3 मिनट इसको पानी के अंदर इसी तरह से डिप करने दे सकते हैं, और इसी तरह से 2 से 3 मिनट के बाद भी आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने फ्रूट्स को वॉश करें। मैं वाटरमेलन बहुत बड़ा है तो इसको सबसे बाद में मैं डालूंगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसी तरह से आप अपनी लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, उसको भी इसी तरह से वॉश करें। और आप नॉर्मल जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप 15 से 20 मिनट इस तरह से डाल के रखें, इसी तरह से डाल के पानी में छोड़ दे अच्छे से। बड़े बर्तन में आप चाहे तो बकेट में भी वॉश कर सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने एक हाथ से हैंड वॉश किया, सॉरी हैंड में फोन पकड़ा हुआ है, तो मैं एक इस तरह से अच्छे से रब करें अपनी हर एक वेजिटेबल्स को, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है तो हमें अच्छे से 20 से आधा घंटा अपनी वेजिटेबल्स को इस तरह से वॉश करना है। आप चाहे तो मैंने एक वीडियो और भी पहले से बनाई हुई है इस पर कि अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को किस तरह से वॉश करें। बहुत ही सिंपल एक घरेलू टिप है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास विनेगर नहीं है। उसका आई बटन पर मैं आपको क्लिक
क्लिक करके ऑप्शन दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही घरेलू नुस्खा है वो। इसी तरह से 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप सोक कर सके, अच्छे से रगड़ लें इस तरह से अपने सभी वेजिटेबल को एक एक करके। अभी मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, आप अपने सभी वेजिटेबल्स को निकाल दें। और क्योंकि वाटरमेलन थोड़ा सा बड़ा था तो मैं इसके दो पार्ट में वॉश करूंगी, क्योंकि हाफ एक बार टर्न करना पड़ेगा मुझे, तो इस तरह से मैं उसको वॉश करूंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने प्लेन पहले ही वाटर से वॉश कर रखी है तो पानी इतना गंदा नहीं हुआ है। ये देखिए अपनी ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर ले, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए बनानास को हमने वॉश किया है, आप ये देखें कि इसका ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ब्लैक है, तो ये थोड़ा सा जल्दी भी खराब हो सकता है। इसके लिए आप क्या करें कि इस तरह का फॉइल पेपर जो होता है उसको इस तरह से आप 2 से 3 बार इस तरह से दबाते हुए इसको फोल्ड कर देंगे, तो आपका बनाना भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये देखिए इस तरह से आप सिक्योर कर दें अपने बनाना।